ऐसा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे लास्ट जिला सहारनपुर में, सहारनपुर में आज मैं आया हूं। भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्म है, मेरा धर्म है कि भारत के जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाऊं। और भारतीय किसान भानु किसानों का सबसे बड़ा संगठन है और ये संगठन 100% ईमानदारी के साथ चलता है। मैंने त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी लिख दी है। पिछले आप 22 में देख रहे थे, तमाम लोग योगी बाबा को, मोदी बाबा को बुरी तरह करने लगे, अपशब्द कहने लगे। मुझे वो बहुत बड़ा लगा। क्यों? कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये मैंने नहीं, ये तुलसीदास ने लिखा है। जब भगवान राम ने अवतार में आए थे, विष्णु के अवतार में, तो उन तुलसीदास ने उनकी कथा में लिखा ये। तो जब किसी मानव से आप, किसी संत से आप शब्द बोलोगे तो स्वाभाविक है जो मानव होगा उसको क्रोध आएगा। कुछ लोग कहते हैं भानु तो हर एक से उल्टी सीधी कहती है। नहीं, विश्व में जितने मानव हैं उनका सबका सम्मान करता हूं, और जो राक्षस बनता है उससे युद्ध करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूं। क्यों? कि भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य है। तो आज कह रहे हैं कि सरकार किसान हित में कार्य नहीं कर रही है। कौन कह रहे? किसान संगठन कह रहे हैं ऐसा है। किसान संगठन तो अब भी कहेंगे, तब भी कह रहे थे और कहते रहेंगे। मैं कल ही 11 बजे 1 बजे तक था लखनऊ में, और कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के सचिव सबसे मिला हूं, और उन्होंने कहा जो तुम कहोगे वो होगा। और उससे एक दिन पहले था चौधरी कैलाश है, कैलाश चौधरी कृषि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा था जो आप कहोगे सो होगा। अब मैं कैसे कहूं कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है? अच्छा, ये बात जरूर है कि मतलब थोड़ा सा ढिलाई हो रहा है। तो मैंने अपना एक मांग पत्र रख दिया है, केंद्र सरकार के लिए है, किसान आयोग का गठन कर दो। किसान आयोग में किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं रहेगा। गन्ना का किसान, आलू का किसान, धान का किसान, गेहूं का किसान, सरसों का किसान, वो उसके सदस्य होंगे। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा। किसान बताएगा कि हमारी कितनी लागत आती है। गन्ना आज जो 350 रुपया कुंतल मिल रहा है, मैंने अपने पूजनीय संत स्वामी जी हैं, भक्त मुख्यमंत्री हैं, अब संत है हमारे, हमने समर्थन किया है, उनसे कह दिया है 350 नहीं, 350 रुपया तो गन्ने का काटो खेत में से और छीलो और बुग्गी में ला दो, उतना ही है। उसकी लागत नहीं निकलती। गन्ना किसानों का बुरा हाल है, और गन्ना से ही सब मिठाई बनती है, रसगुल्ला बने, चमचम की मिठाई बने, तो मजा मारे जम्मन और झटका से हो से नहीं। ये नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा। 700 रुपया मैंने कह दिया, 700 रुपया। जिनको नहीं ज्ञान है वो कहते 500, 400। अरे मैंने सर्वे किया है, कितना पानी लगता है, कितना खाद लगता है, कितना बधाई में लगता है, कितना लागत लगता है, 700 रुपया कुंटल इस समय होना चाहिए। और फिर जैसे जैसे DAP यूरिया डीजल की कीमत बढ़ेगी वैसे ही और बढ़ाया जाएगा। और अगली बात कि जो भारतीय किसान भानु के द्वारा हमारे जो किसान जैसे विजयंत हैं अध्यक्ष जिला के, ये जो मांग रखेंगे, एक कोई रोड बना रहा है बड़ा, उसमें यहाँ बड़गांव में वो नहीं दिया जा रहा है उतरना चढ़ने का मार्ग, वो देना पड़ेगा। हाँ, ये है भानु, वो देना पड़ेगा। देखते रहिए
टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।